तो साथियों, तो कैसे हो आप सब लोग? क्या आपने ट्वेल्थ कर रखे है? क्या आपको बीएसटीसी करनी है? दोस्तों, अगर किसी ने बीएसटीसी करनी है, अगर किसी स्टूडेंट कैंडिडेट्स को बीएसटीसी करनी है, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे बीएसटीसी होती है, क्योंकि दोस्तों मैंने खुद ने बीएसटीसी कर रखी है। और बीएसटीसी का पूरा साल 2015-16 से लेकर अभी 23-24 तक का जो पूरी यात्रा है, उसका पूरा वर्णन मैं आपको बताऊंगा। कैसे बीएसटीसी होती है, उसका सिलेबस क्या रहता है, जो 2023 की बीएसटीसी है उसका आयोजन कब किया जाएगा। आप क्योंकि दोस्तों मैंने खुद ने बीएसटीसी की है, 2015-16 में जो मैंने बीएसटीसी की थी उससे लेकर अभी तक जो मैं दो बार रीट क्लियर कर चुका हूँ दोस्तों, वहां तक बनने का पूरा सफर आपको साझा करूंगा। दोस्तों, ट्वेल्थ पास करने वाले जो भी मेरे भाई है वो ध्यान से सुने, कैसे हम बीएसटीसी कर सकते हैं, कैसे बीएसटीसी को 3 महीने में क्रैक किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, जुलाई अगस्त में एग्जाम होने की पूरी संभावना है, कैसे बीएसटीसी को क्रैक करना है उसकी पूरी रणनीति आइए शुरू करते हैं। हेलो साथियों, तो हम चर्चा करते हैं आज बीएसटीसी 2023-24। दोस्तों, बीएसटीसी को प्री डीएलएड भी कहते हैं, तो हम चर्चा करने हैं बीएसटीसी का एग्जाम कब होगा। दोस्तों, जैसे कि ये न्यूज देख पा रहे हो आप, इस न्यूज के अकॉर्डिंग दैनिक भास्कर की न्यूज है, जिसमें शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जी ने कहा कि हम जल्द इसका आयोजन करवाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम की। दोस्तों, एग्जाम होगा अगस्त महीने में, यानी कि आपके पास मोटे मोटे 3 महीने मिल जाएंगे, मोटे मोटे दोस्तों 3 महीने मिल जाएंगे, यानी कि दोस्तों 90 दिन की स्टडी है आपके। आपको बीएसटीसी की तैयारी कैसे करनी है, क्या है आगे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेंगे कि 3 महीने में 90 दिन आपके पास बचे हैं, 3 महीने या 90 दिन आपको बीएसटीसी की तैयारी के मिलेंगे। अगस्त माह में एग्जाम होगा, उसके बाद बात करते हैं एग्जाम फॉर्म कब शुरू होंगे। तो जून माह में एग्जाम के फॉर्म शुरू हो जाएंगे, जून में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो फॉर्म की शुरुआत जून महीने में हो जाएगी, अगस्त महीने में एग्जाम हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पांचवी बार जो आप देख पा रहे हो, पांचवी बार डीएलएड की जो संस्था है पंजीयन शिक्षा विभाग बीकानेर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी कि दोस्तों, जो बीकानेर है, पंजीयन शिक्षा विभाग, तो दोस्तों 25,000 सीटें रहेगी, 372 कॉलेज मिले। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ जो टीपी कॉलेज बीकानेर है। दोस्तों, आप देख पा रहे हो कटिंग अखबार की, टीपी कॉलेज बीकानेर जो है वो भी एक नया आयोजित, मतलब नया कॉलेज बना है, उसके अंदर भी अभी सीटें आई, यानी कि आपकी कुल सीटें लगभग 25,000 होगी। बीएसटीसी की सीटें होगी 25,000। दोस्तों, 6 से 7 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यानी कि आपको दोस्तों तैयारी करनी होगी 3 महीने की। 3 महीने के अंदर, 3 महीने यानी कि 90 दिन, तो कैसे आप 90 दिन में क्रैक कर सकते हो हम जानेंगे। मैंने कैसे तैयारी की थी, पांचवी बार जिसे हम प्री डीएलएड भी कहते हैं, बीएसटीसी का एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है पंजीयन शिक्षा विभाग बीकानेर को। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बीकानेर जो आयोजित करवा रही है परीक्षा, इसका पैटर्न क्या रहता है। एग्जाम तिथि हमें पता चल गई कि जून में इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, आपको 90 दिन के लगभग मिलेंगे, अगस्त माह में आपका एग्जाम हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि मैंने कैसे बीएसटीसी की तैयारी की थी। मैंने जैसे ट्वेल्थ पास होते दोस्तों मुझे लगभग 30 दिन मिले थे, उससे पहले भी मैं थोड़ी तैयारी शुरू कर रखी थी, लेकिन दोस्तों 30 दिन के मेहनत की थी मैंने, 30 दिन में मैंने बीएसटीसी को क्रैक किया था। तो कैसा रहा मेरी प्लानिंग मैं बताता हूँ। पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि हम अपना सिलेबस क्या रहेगा, उसके बाद बात करते हैं। तो दोस्तों, हम चर्चा करने जा रहे हैं बीएसटीसी का सिलेबस, एक मोटे तौर पर हम चर्चा करते हैं कि दोस्तों राजस्थान जीके 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और हिंदी के 30 क्वेश्चन और अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन, यानी कि इसके भी 50 क्वेश्चन आते हैं और नंबर होते हैं एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि दोस्तों 150-150 नंबर के चार पार्ट होते हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों बात करें कुल प्रश्नों की, तो प्रश्न अंकों की संख्या हो गई 600, प्रश्न हो गए दोस्तों 200 प्रश्न होते हैं, 600 अंक का पेपर होता है। बीएसटीसी की बात आगे करते हैं दोस्तों, मैंने कैसे तैयारी की थी। दोस्तों, मैंने सबसे पहले राजस्थान जीके और रीजनिंग, जो मेरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थी, मैंने उनके ऊपर पकड़ मजबूत की। दोस्तों, राजस्थान जीके के मैंने एमसीक्यू निकाले थे लास्ट के 10 दिन, क्योंकि दोस्तों मेरे पास समय नहीं मिला था। आपके पास 3 महीने का समय मिलेगा, तो आपको 2 महीने तक थ्योरी पढ़नी है, अंतिम महीने में आपको पूरा लास्ट महीने में इसके एमसीक्यू निकालने हैं। दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने निकालोगे, पुराने बीएसटीसी के जो पेपर है उनको देखना है, आपको
पिछले जो बीएसटीसी के जितने पेपर हुए उनको पूरी फोकस रखना है, जिससे क्या होगा दोस्तों कि जितने आप पेपर देखोगे उसका पैटर्न पता चल जाएगा। और एक बार आपको पैटर्न पकड़ में आ गया कि ये 5 साल से पंजीयन शिक्षा विभाग बीकानेर ही आयोजित करवा रहा है, इस बार इसकी जिम्मेदारी भी पंजीयन शिक्षा विभाग बीकानेर के पास मिली है, तो दोस्तों जो पुराना पैटर्न है उसको पकड़ने के लिए पुराने पेपर बहुत ही ज्यादा मायने रखेंगे। तो आपको क्या करना है, पुराने पेपर को पहले देखना है कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने बताया आपको 200 क्वेश्चन आएंगे, 600 नंबर का होगा। मैंने तैयारी की थी, सबसे पहले जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था राजस्थान जीके प्लस रीजनिंग को मैंने मजबूत किया था। एक महीने साथ साथ में दोस्तों मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड को चलाया था, मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आंसर निकाले, इतने क्वेश्चन आंसर निकाले एक महीने के अंदर, ताकि मुझे अनुमान लग गया कि प्रश्न इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले बात करूं मेरा सब्जेक्ट, तो दोस्तों मेरा सब्जेक्ट विषय हिंदी रहा है, तो हिंदी में मेरे 30 में से 27 सही हुए थे उस टाइम। तो दोस्तों सब्जेक्ट जो आपका मजबूत हो दोनों में से उस पर मजबूत कीजिए और इन चीजों का पकड़ कीजिए। तो दोस्तों अगर आप 10 प्रश्न ड्रॉप भी करोगे, ड्रॉप नहीं करना है, मतलब कहने का है कि अगर आप उस पर थोड़ा कम ध्यान दोगे और जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसके ऊपर अगर आप पूरा ध्यान लगाओगे तो 3 महीने के अंदर आप बीएसटीसी को क्रैक कर लोगे। 3 महीने के अंदर बीएसटीसी को आपको आप आसानी से क्रैक कर लोगे। दोस्तों अब बात मैंने आपको बताया कि मैंने राजस्थान जीके और रीजनिंग पे फोकस किया और साथ साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड को लगा, पूरा फोकस रखा। दोस्तों हिंदी मेरा सब्जेक्ट था तो मेरे वैसी मजबूत थी, तो मैंने उसके ऊपर एमसीक्यू निकाले और फिर अंग्रेजी को मैंने 10 ही क्वेश्चन छोड़े थे अंग्रेजी के, ताकि मुझे जो उस पर थोड़ा सा कम ध्यान दिया था। तो इस तरीके से दोस्तों 600 नंबर का जो पेपर है उस 200 क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से बीएसटीसी को क्रैक कर सकते हो। आप जानते हो भाई 12th के बाद बीएसटीसी करते हैं, लेकिन दोस्तों बीएसटीसी क्यों करते हैं, ये जो क्यों वाला जो प्रश्न है और आगे क्या होगा ये दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि टीचर बनना है इसलिए हम बीएसटीसी करते हैं। लेकिन दोस्तों बीएसटीसी के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, तो सुनिए दोस्तों एक शॉर्ट में बता देता हूं बीएसटीसी क्या है। दोस्तों जैसे आपने बीएसटीसी की, ये दो साल का डिप्लोमा होता है, 2 साल को आपके पास जैसे डिप्लोमा आता है उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि आपको एक पात्रता परीक्षा पार करनी होगी रीट की। चारों तरफ अभी जो नाम चल रहा है, शोरगुल चल रहा है रीट रीट रीट, क्योंकि दोस्तों L1 का रिजल्ट आ चुका है और Level 2 जो रिजल्ट आना बाकी। अब आप सोचोगे कि Level 1 और Level 2 क्या है, तो दोस्तों बात करते हैं बीएसटीसी जो बंदा बीएसटीसी करता है वो तैयारी करता है Level 1 की। तो Level 1 क्या है, ये बीमारी क्या है दोस्तों, Level 1 क्या है, Level 1 का अर्थ होता है पहली से पांचवी तक पढ़ाने वाला टीचर। शॉर्ट भाषा में समझाऊं तो पहली से पांचवी तक पढ़ाने वाला जो टीचर होता है वो Level 1 से बनता है। तो Level 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपकी बीएसटीसी होती है आप रीट के लिए पात्र हो जाते हो कि आप रीट का एग्जाम दे पाओगे। रीट का एग्जाम क्या होता है दोस्तों, एक अध्यापक भर्ती के लिए एक पात्रता परीक्षा है, प्री रीट कहते हैं जिसे। प्री रीट का अर्थ होता है रीट के लिए, रीट एक पात्रता है जिससे आप अध्यापक बन सकते हो या नहीं। दोस्तों ये 150 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होते हैं, इसमें मिनिमम जनरल कैंडिडेट के लिए 90 नंबर पात्रता रखी गई है, कैटेगरी वाइज अलग अलग छूट भी दी गई है। तो दोस्तों इसके बाद आपको पार करनी होगी रीट की पात्रता। रीट की पात्रता जैसे ही पार करते हो आप इलिजिबल हो जाते हो रीट की मुख्य परीक्षा के लिए। तो रीट की मुख्य परीक्षा क्या है दोस्तों, जो अभी रीट की परीक्षा हुई है, मुख्य परीक्षा में क्या होता है दोस्तों, मुख्य परीक्षा 300 नंबर की होती है, 300 नंबर की मुख्य परीक्षा होती है, जिसके अंतर्गत आप कितना स्कोर करते हो वो मायने रखता है, आपको मेरिट डिसाइड करता है, अर्थात मेरिट बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है। तो आपने क्या जाना दोस्तों, बीएसटीसी के बाद Level 1 की तैयारी करने के लिए प्री रीट के बाद दोस्तों आपने जाना जो इसमें एलिजिबल होगा वो तैयारी करेगा मेंस की। तो दोस्तों एक ये लंबी प्रक्रिया है, इसके लिए दोस्तों आप अभी से जुटना पड़ेगा, आपको बीएसटीसी करनी होगी, बीएसटीसी के बाद आप प्री रीट का एग्जाम दोगे, उसके बाद मेंस रीट का एग्जाम दोगे।